हेलो एवरीवन, आप सभी का तह दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर MS पर वार्म वेलकम है गाइस। इस सेशन में बात करूंगा वोकैब 04 सीरीज पर, और इससे पहले मैंने 01, 02, 03 को किया है अपलोड। अगर आपने मेरा वो सेशन नहीं देखा है तो उस सेशन को देख लीजिएगा, देन इस सेशन पर मूव करिएगा। वोकैब 04 ऐसे नहीं पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अलग अंदाज में मैं आज वोकैब को आपको पढ़ाऊंगा, और जितने भी ऑप्शंस हैं उनका पोस्टमार्टम करेंगे और एक वर्ड से कई सारे वर्ड बनाने की कोशिश हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है। देखिए गाइस, पहला वर्ड हमारे सामने आ चुका है, लिखा है कौन सा वर्ड, जोवियल। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और जोवियल का मीनिंग क्या होता है देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इससे कई सारे वर्ड बनाने की कोशिश हम करते हैं। जोवियल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, आप इसे हैप्पी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसे? हैप्पी कह सकते हैं, आप इसे एक्सटैसी कह सकते हैं, ECSTASY, दैट इज कॉल्ड एक्सटैसी। आप इसे ब्लिसफुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्लिस, आप इसे ब्लिसफुल कह सकते हैं। आप इसे मिर्थफुल कह सकते हैं, मिर्थफुल कह सकते हैं। आप इसे यूफोरिया कह सकते हैं, यूफोरिया कह सकते हैं, है ना। आप इसे प्लेजर कह सकते हैं, है ना। आप इसे ग्ली कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है? हैप्पी। आप इसे जोबलियंट भी कह सकते हैं, जोबलियंट भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग भी क्या होता है? हैप्पी। तो जोवियल का ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हमारे सामने ऑप्शंस हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये सारे वर्ड आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चलिए देखते हैं अब हमारे सामने ऑप्शंस कौन कौन से हैं। देखिए डोड्रम का मीनिंग क्या होता है, देखिए गाइस डोड्रम का मीनिंग होता है आप इसे सैड कह सकते हैं, आप इसे अनहैप्पी कह सकते हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं आप इसे डेजोलेट कह सकते हैं, डेजोलेट कह सकते हैं। आप इसे डिसकंसोलेट कह सकते हैं, डिसकंसोलेट कह सकते हैं। आप इसे अनहैप्पी भी कह सकते हैं, आप इसे डिजेक्टेड कह सकते हैं, डिजेक्टेड, है ना। आप इसे डिसमल कह सकते हैं, डिसमल कह सकते हैं। आप इसे ग्लूमी कह सकते हैं, है ना। आप इसे मोरोज कह सकते हैं, मोरोज कह सकते हैं, ठीक है। तो सबका मीनिंग क्या होता है? अनहैप्पी या सैड। आप इसे डोलफुल भी कह सकते हैं। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, ये तो एंटोनिम है, तो जोवियल का ये आंसर नहीं हो सकता है। जोब्लियंट अभी मैंने पढ़ा था, तो ये आंसर हो सकता है इसका। बाउंटीफुल, देखिए गाइज बाउंटीफुल का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है गाइज? प्रचुर मात्रा में। तो बाउंटीफुल के कई सारे वर्ड हमने सीखे हैं और मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पहला वर्ड आप इसे कह सकते हैं एम्पल, है ना। आप इसे कॉपियस कह सकते हैं, है ना। आप इसे प्लेंटीफुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लेंटीफुल कह सकते हैं। आप इसे प्लेथोरा कह सकते हैं, प्लेथोरा कह सकते हैं। आप इसे लेविश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेविश कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। अगला वर्ड कौन सा है हमारे सामने? अगला वर्ड है कैंटेंकरस। तो गाइस देखते हैं कैंटेंकरस का मीनिंग क्या होता है। देखिए गाइस कैंटेंकरस का हिंदी मीनिंग होता है झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे इरेसिबल कह सकते हैं, आप इसे इरेसिबल कह सकते हैं, आप इसे इरिटेबल कह सकते हैं, है ना। आप इसे ग्राउची कह सकते हैं, नोट करते रहिएगा। आप इसे ग्रम्पी कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है? झगड़ा करने वाला। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? जुबलियंट, क्योंकि इसका ये क्या है? सिनोनिम्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मैंने सारे ऑप्शन के करे हैं पोस्टमार्टम, तो इनको आप नोट करते रहिएगा और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड कौन सा हमारे सामने आने वाला है। देखिए गाइस सेकंड वर्ड हमारे सामने आ चुका है, वर्ड कौन सा है? स्टूडियस। देखिए गाइस स्टूडियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। आप इसे हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, आप इसे डिलीजेंट कह सकते हैं। बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। आप इसे डिलीजेंट कह सकते हैं, आप इसे एसिडियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसिडियस कह सकते हैं। आप इसे सेड्यूलस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेड्यूलस कह सकते हैं। आप इसे लेबोरियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेबोरियस कह सकते हैं। आप इसे मेटिकुलस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेटिकुलस कह सकते हैं। सबका मीनिंग क्या होता है? मेहनती। देखिए एसिडस
हाँ ये आंसर हो सकता है। पेन स्टेकिंग भी होता है, पेन स्टेकिंग मीनिंग क्या होता है, पेन स्टेकिंग का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, तो ये भी आंसर हो सकता है पेन स्टेकिंग, ये भी आंसर सही है। ग्ली माने तो होता है हैप्पी, ग्ली माने क्या होता है हैप्पी होता है, अभी मैंने पढ़ा था, तो आपका सी वाला आंसर नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा बोथ ए एंड बी, तो आपका डी आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ये सारे वर्ड नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है। लिखा क्या है मैसिव, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, और मैसिव का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, मैसिव का मीनिंग क्या होता है विशाल, आप इसे इनॉर्मस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप इसे इनॉर्मस कह सकते हैं, आप इसे जाइजेंटिक कह सकते हैं, है ना, आप इसे मैमथ कह सकते हैं, मैमथ कह सकते हैं, आप इसे एलिफेंटाइन कह सकते हैं, एलिफेंटाइन कह सकते हैं, है ना, आप इसे वास्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वास्ट, आप इसे इमेंस कह सकते हैं, है ना, तो सबका मीनिंग क्या होता है बहुत बड़ा या बहुत विशाल। अब हमारे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। देखिए फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है। फ्रेजाइल का मीनिंग होता है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, फ्रेजाइल को आप कह सकते हैं ब्रेकेबल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सारे वर्ड नोट करते रहिएगा, आप इसे ब्रेकेबल कह सकते हैं, आप इसे ब्रिटल कह सकते हैं, आप इसे फ्रेल कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, आप इसे फ्रेजाइल कह सकते हैं, है ना, फ्रेजाइल कह सकते हैं, आप इसे वीक कह सकते हैं, आप इसे पेरिलस कह सकते हैं, आप इसे नेबुलस कह सकते हैं, आप इसे इनसिक्योर कह सकते हैं, है ना, वैल्यूनरेबल भी कह सकते हैं। तो आपका फ्रेजाइल के इतने सारे वर्ड मैंने बनाए हैं, आप इसे प्रॉपर तरीके से नोट करते रहिएगा। देखिए गाइस, इसका जो मैसिव का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इनॉर्मस, क्या होगा इनॉर्मस। फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है ब्रेकेबल, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके या कमजोर हिंदी में कह सकते हैं, ये सारे वर्ड नोट करते रहिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं हमारे सामने कौन सा है, एम्पल, एम्पल का मीनिंग क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा था कॉपियस कह सकते हैं आप इसे, कॉपियस होता है, एम्पल होता है, प्लेंटीफुल होता है, बाउंटीफुल होता है, है ना, प्रोफ्यूज होता है, प्रोफ्यूजन होता है, लेविश होता है, तो ये सारे वर्ड मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। और डिसकंसोलेट का मीनिंग क्या होता है, आप इसे सैड कह सकते हैं, आप इसे अनहैप्पी कह सकते हैं, आप इसे मोरोज कह सकते हैं, आप इसे ग्लूमी कह सकते हैं, है ना, डिसकंसोलेट कह सकते हैं, डेजोलेट कह सकते हैं, डिजेक्टेड कह सकते हैं, सबका मीनिंग क्या होता है सैड, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। फ्रेजाइल का मीनिंग होता है ब्रेकेबल, दिस कैन नॉट बी द आंसर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनॉर्मस। ऐसे ही सारे वर्ड को हमें पढ़ना है और वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनाने हैं और जितने भी गिवन ऑप्शन हैं उनका करना है पोस्टमार्टम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा क्या है लैकेडेजिकल, लैकेडेजिकल मीनिंग होता है, लैकेडेजिकल का मीनिंग होता है लेजी, आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे लेजी कह सकते हैं, आप इसे स्लगिश कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, आप इसे स्लोथफुल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्लोथफुल कह सकते हैं, आप इसे लिथार्जिक कह सकते हैं, आप इसे लैंग्विड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं लैंग्विड कह सकते हैं, आप इसे आइडल कह सकते हैं, आप इसे इंडोलेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इंडोलेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, आप इसे इंडोलेंट कह सकते हैं, है ना, आप इसे पैसिव कह सकते हैं, आप इसे डल कह सकते हैं। तो लैकेडेसिकल का मीनिंग क्या होता है, लैकेडेसिकल का मीनिंग क्या होता है, अब मैं ऑप्शन देखता हूँ। देखिए गाइस, लोकेसियस का मीनिंग क्या होता है, आप इसे टॉकेटिव कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप इसे टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, आप इसे गैरुलस कह सकते हैं, गैरुलस कह सकते हैं, है ना, आप इसे वॉल्यूबल कह सकते हैं, सबका मीनिंग क्या होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो अब मैं देखता हूँ अगला ऑप्शन कौन सा है, लिथार्जिक, तो लैकेडेसिकल का मीनिंग क्या होता है लिथार्जिक यानी कि लेजी, हाँ ये आंसर बिल्कुल सही होगा। जोविल का मीनिंग होता है हैप्पी, दिस कैन नॉट बी द आंसर। ब्लिस का मीनिंग भी क्या होता है हैप्पी, दिस कैन नॉट बी द आंसर। लोकेसियस का मीनिंग होता है टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा लिथार्जिक। तो ऐसे ही हमें वोकैब को पढ़ना है, बिल्कुल अलग अंदाज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ चुका है कौन सा, स्मार्ट। तो स्मार्ट का मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस, आपको ऐसे याद करेंगे स्मार्ट, SMART, S का मीनिंग क्या होता है, आप इसे स्नैपी कह सकते हैं,
आप इसे स्टाइलिश कह सकते हैं। एम का मीनिंग क्या होता है? मॉडिश। क्या होता है? मॉडिश। ए का मीनिंग क्या होता है? एडेप्ट कह सकते हैं आप इसे, है ना। आर का मीनिंग क्या होता है? रैशनल। क्या हो सकता है? रैशनल। जो रैशनल है वो लॉजिकल होगा, जो लॉजिकल है वो सेंसिबल होगा, जो सेंसिबल है वो कैसा होगा? प्रैग्मेटिक होगा। टी का मीनिंग क्या होता है? टैलेंटेड। क्या होता है? टैलेंटेड। आप इसे टॉनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टॉनी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है स्मार्ट। तो इसका स्नैपी भी बिल्कुल सही आंसर है, मॉडिश भी बिल्कुल सही है, रैशनल भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सारे वर्ड जो है आप नोट करते रहिएगा और देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। वर्ड कौन सा है? कल्मिनेशन। इसको कैसे याद रखेंगे? कल्मिनेशन को कल मैं नेशन पे टॉप पर आऊंगा। कल जस्ट न्यूमोनिक्स, कल मैं नेशन पर टॉप पर आऊंगा। तो कल्मिनेशन का एक मीनिंग क्या होता है? टॉप के सारे वर्ड हो सकते हैं। आप इसे टॉप कह सकते हैं, आप इसे अपोजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपोजी कह सकते हैं। आप इसे एपेक्स कह सकते हैं, आप इसे जेनिथ कह सकते हैं, है ना। आप इसे पैरामाउंट कह सकते हैं, आप इसे पिनाकल कह सकते हैं, आप इसे सरमाउंट कह सकते हैं। पैरामाउंट, पिनाकल, सरमाउंट। अब देखते हैं ऑप्शन। अपोजी बिल्कुल सही आंसर होगा, एपेक्स बिल्कुल सही आंसर होगा, जेनिथ बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और वर्ड कौन सा है? लगाना है एंटोनिम्स, इस बार लगाना है अपोजिट, ठीक है ना। अब देखते हैं वर्ड कौन सा है। मिर्थफुल। तो मिर्थफुल का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी कह सकते हैं आप इसे, ब्लिसफुल कह सकते हैं, है ना। आप इसे प्लेजर कह सकते हैं, सोशियबल कह सकते हैं, एमिएबल कह सकते हैं, एमिकेबल कह सकते हैं, है ना। सबका मीनिंग क्या होता है? हैप्पी। तो ब्लिसफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, दिस कैन नॉट बी द आंसर। चीयरफुल इसका हो जाएगा सिनोनिम, दिस कैन नॉट बी द आंसर। जॉवियल इसका हो जाएगा सिनोनिम, दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? मोरूज। मोरूज का मीनिंग क्या होता है? सैड। आप इसे ग्लूमी कह सकते हैं, डिसमल कह सकते हैं, डिजेक्टेड कह सकते हैं, डेजोलेट कह सकते हैं। कई सारे वर्ड हम इसके बना चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोरूज। लगाना था एंटोनिम्स। अब देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो हर ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना है, ऐसे ही आपको वर्ड से वर्ड बनाने पड़ेंगे। अगला वर्ड कौन सा है? डिलीजेंट। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है? आप इसे हार्ड वर्क कह सकते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं? हार्ड वर्क कह सकते हैं। एक प्यारा वर्ड है, कई बार पूछा गया, एसीडियस कह सकते हैं आप इसे, है ना। एसीडियस कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं आप इसे? लेबोरियस कह सकते हैं, है ना। आप इसे मेटिकुलस कह सकते हैं, है ना। तो आप इसे सेडुलस भी कह सकते हैं, सेडुलस कह सकते हैं। आप इसे पेन स्टेकिंग कह सकते हैं, आप इसे पेडेंटिक कह सकते हैं, सेडुलस, है ना। आप इसे पेन स्टेकिंग कह सकते हैं, आप इसे पेडेंटिक कह सकते हैं, आप इसे इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं। तो डिलीजेंट का एंटोनिम क्या लगाना है? सिनोनिम, सॉरी, क्या लगाना था गाइस? सिनोनिम लगाना है, एंटोनिम नहीं लगाना है। तो इंडस्ट्रियस का मीनिंग भी क्या होता है? मेहनती। तो ये भी आंसर सही हो सकता है। एसीडियस का मीनिंग क्या होता है? मेहनती, यानी कि डिलीजेंट। ये भी आंसर सही है। मेटिकुलस का मीनिंग भी क्या होता है? बहुत मेहनत करने वाला। तो सी भी आंसर सही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है। वर्ड कौन सा है? कास्टिगेट। कास्टिगेट कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कास्टिगेट का मीनिंग क्या होता है? कास्टिगेट का मीनिंग होता है डांटना या फटकारना। कैसे याद रखेंगे? आप इसे सी ए आर। तो सी का मीनिंग क्या होता है? आप इसे कास्टिगेट कह सकते हैं, आप इसे सेंश्योर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेंश्योर। आप इसे एडमोनिश कह सकते हैं, एडमोनिश कह सकते हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं आप इसे? आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे रिप्रोच कह सकते हैं, रिप्रोच कह सकते हैं। आप इसे रेप्रीमेंड कह सकते हैं, रेप्रीमेंड कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है? डांटना या फटकारना। एडमोनिश आंसर हो सकता है, बिल्कुल सही है, लगाना सिनोनिम है। चाइल्ड का मीनिंग भी क्या होता है? डांटना या फटकारना। आप इसके वर्ड में ऐड कर सकते हैं कौन सा वर्ड? चाइल्ड। तो चाइल्ड आंसर हो सकता है। सेंश्योर का मीनिंग भी क्या होता है? डांटना या फटकारना। ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द राइट आंसर हियर। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड हमारे सामने कौन सा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा क्या गया है? कोलेजल। कोलेजल का मीनिंग क्या होता है? कोलेजल का मीनिंग होता है विशाल या बहुत बड़ा, है। आप इसे मैसिव कह सकते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है, है ना। आप इसे ह्यूज कह सकते हैं, आप इसे लार्ज कह सकते हैं, आप इसे मैमथ कह सकते हैं, मैमथ कह सकते हैं। आप इसे एलिफेंटाइन कह सकते हैं,
एलिफेंटाइन कह सकते हैं, आप इसे वास्ट कह सकते हैं, आप इसे इमेंस कह सकते हैं, है ना, इमेंस कह सकते हैं। सबका मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा। तो अब मैं देखता हूँ ऑप्शन कौन कौन से हमारे सामने हैं। देखिए डिस्पेयर का मीनिंग क्या होता है, आप इसे सैड कह सकते हैं, है ना, आप इसे सैड कह सकते हैं, ग्लूमी कह सकते हैं, आप इसे मोरोज कह सकते हैं। तो सैड का तो ये आंसर नहीं हो सकता है, विशाल के सेंस में लगाना है सिनोनिम। एक्सटेसी का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी, क्या मीनिंग होता है, हैप्पी, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। जाइजेंटिक का मीनिंग होता है विशाल, तो इसका ये बनेगा सिनोनिम। कोलिजल का मीनिंग क्या हो जाएगा, जाइजेंटिक, सी इज द राइट आंसर। और रैप्चर का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी, क्या होता है, तो हैप्पी के सारे वर्ड आपको रिवाइज हो जाने चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइजेंटिक। तो गाइज मैंने बहुत ही बेसिक से आपको वोकैब को पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल अलग अंदाज में सारे ऑप्शन का क्या है पोस्टमार्टम। तो ऐसे ही वर्ड से वर्ड आपको बनाने पड़ेंगे और डेली बेसिस पे आपको वोकैब को रिवाइज करना होगा। तो गाइज इस सेशन को हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे वोकैब की और बिल्कुल अलग अंदाज में उस सेशन को पढ़ेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।